25 साल के प्रहलाद सरदार कोलकाता के ब्रूस ली के नाम से जाने जाते हैं। प्रहलाद कराटे के बेहतरीन खिलाड़ी है जिन्होंने बड़े बड़े कराटे टूर्नामेंट्स में कई मेडल्स जीते हैं। प्रहलाद एक बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता हाथ रिक्शा चलाते थे लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उन्होंने वो काम छोड़ दिया और परिवार की सारी जिम्मेदारियां प्रहलाद पर आ गई। महज 9-10 साल की उम्र में प्रहलाद ने गन्ने का जूस बेचने, चिकन बेचने और न्यूज़पेपर बांटने जैसे कई काम किए, लेकिन उन्हें कुछ अलग करना था जो उन्हें आगे ले जा सके, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स को अपने करियर के तौर पर चुना। प्रहलाद ने बचपन से ही ब्रूस ली के बारे में सुना था और वो उनसे काफी प्रभावित थे। प्रहलाद अपने इलाके में ही रहने वाले कराटे ट्रेनर प्रबीर मंडल के पास गए और कराटे सिखाने की दरख्वास्त की। प्रबीर ने प्रहलाद की क्षमता को परखा और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गए। साल 2008 में प्रहलाद ने ट्रेनिंग शुरू की, तब वो केवल 10 साल के थे। 2013 में प्रहलाद ने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। 2018 में उन्होंने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में और योजो कप में 2 गोल्ड मेडल जीते। प्रहलाद आज एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं जहां वो बच्चों और महिलाओं को कराटे सिखाते हैं। उनका सपना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है, जिसके लिए उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से थोड़ी मदद की जरूरत है। प्रहलाद का संघर्ष और उनका जज्बा देख हमें यकीन है कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेंगे।